मायरी मैं कैसे कहूं पी अपने जिया की मायरी मैं कैसे कहूं पी अपने जिया की मायरी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वर आलय म्यूजिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत ही बेहतरीन गीत है जो कि क्लासिकल सॉन्ग है, जो आपने बोल सुनी लिए, मायरी मैं का से कहूं पीर अपने जिया की। ये फिल्म दस्तक से है, जो कि 1970 की फिल्म है। और इस गीत को जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन साहब ने गाया हुआ है और बहुत ही प्यारा गीत है। उनका जो स्केल है तीसरी काली से गाया, एफ शार्प माइनर। अब देखें इसमें लगने वाले स्वर, देखें तीसरी काली को सामान के चल रहा हूं, यही ओरिजिनल स्केल है गीत का। सा रे कोमल गा शुद्ध गा माँ तीव्र माँ पा कोमल धा शुद्ध धा कोमल नी शुद्ध नी। यानी कहने का मतलब यह है इसमें दोनों गंधार हैं, दोनों धैवत और दोनों निषाद और दोनों माँ मध्यम भी दोनों हैं। और लोअर ऑक्टेव में पा कोमल नी और शुद्ध नी तीन स्वर लगेंगे। मायरी मैं कैसे कहूं पी अपने जिया की मायरी मैं कैसे कहूं पी अपने जिया की मायरी। आपको स्वरों का पता लग गया। इसका राग तो स्पेसिफाइड नहीं हो रहा है कौन सा राग है ये, लेकिन इतना बता दिया दोनों गंधार दोनों मध्यम दोनों धैवत दोनों निषाद का प्रयोग है इसमें। सबसे पहले स्थाई देखें, माई कोमल नीसा मायरी और ई का मायरी क्या के एक क्लासिकल सॉन्ग है, इसमें बड़े स्वरों को मिला मिला के चलना पड़ता है। मायरी और ई का गारे गारे अभी शुद्ध गाए गारे गारे मायरी मैं और मैं का फिर गा हो गया। मैं का से गा माँ का से कहूं कहूं मैं पा मा गा रे मा मैं का से कहूं पीर गा रे सा। अभी तक कोमल गा नहीं आया, शुद्ध गा है। फिर एक बार देखें, माई कोमल नीसा माई री गारे गारे शुद्ध गाए मैं गा शुद्ध गा का से गा माँ शुद्ध गा है और माँ शुद्ध है। का से कहूं कहूं मैं पा माँ गा शुद्ध रे माँ कहूं पीर गा रे सा यहां पर भी शुद्ध गा है। अब देखें अगली लाइन, अप अपने नी अब दूसरा नी आया शुद्ध नी लोअर ऑक्टेव अपने नी सा मा अपने जिया अब कोमल गाया अपने अपने नी सा मा
जिया कोमल गा रे नी, नी भी कोमल है, जिया की और नी कोमल नी पा की नी पा अपने नीसा मा नी शुद्ध है लोअर ऑक्टेव पर अपने नीसा मा जिया कोमल गा रे कोमल नी जिया की नीपा कोमल नीपा और फिर वही रिपीट हो जाएगा मायरी मैं कासे कहूं पीर अपने जिया की मायरी लास्ट में यहां एंड होता है मायरी और लास्ट में नीस माई री गारे गारे सा तो ये आपका स्थाई इतना ही है। इसके बाद देखें अंतरा पी की डगर में पी की डगर में बैठे मेला हुआ री मेरा आचरा पी की डगर में बैठे मेला हुआ री मेरा आचरा मुखड़ा है फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा ये दोनों लाइन है एक ही नोटेशन पे तो एक लाइन का बता देता हूं मैं आपको पी की सासा डगर सासा मैं सागा सुदगा पी की डगर मैं सागा मैं का पी की सासा डगर सासा मैं का सागा बैठे गागा मेला हुआ गागा गागा पी की डगर में बैठे मेला हुआ री री का गा सा शुद्ध गा है री मेरा अब गा के बाद तीव्रमा मेरा मेरा आचरा पा तीव्रमा गा एक बार देखें पी की डगर में बैठे मेला हुआ री मेरा आचरा और उसके बाद में दूसरी लाइन बजा लेना मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा उसके बाद में देखें अगली लाइन कोई कोई जो देखे मैया कोई जो देखे मैया प्रीत का बासे कोई कोई जो देखे मैया प्रीत का बासे कहूं माजरा ये लाइन देखें कोई गा धाधा कोई शुद्ध धाय कोई गा धाधा जो जो का भी धा देखे कोई जो देखे और देखे में दोनों धा का प्रयोग है कोमल धा शुद्ध धा देखे यानी देखे शब्द बनेगा कोमल धा शुद्ध धा शुद्ध धा कोमल धा कोई शुद्ध धा कोई जो जो में भी शुद्ध धा
कोई जो देखे मैया, मैया का माँ गागा शुद्ध गागा, प्रीत का गा धादा सेम, प्रीत गा धादा शुद्ध दाय, का के लिए भी शुद्ध दा, बासे बासे भी सेम है जैसे पहले बताया था देखे का, कोमल दा शुद्ध दा, शुद्ध दा कोमल दा, प्रीत का बासे कहूं माँ शुद्ध गा, और माँ भी शुद्ध है, कहूं माँ गा माजरा, माजरा का गा माँ माँ पापा माँ गा, एक बार गा के बताता हूं, पी की डगर में बैठे मेला हुआ री मेरा आचरा, मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा, कोई 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 जो देखे, कोई जो देखे मैया, प्रीत का बासे कहूं माजरा। इतना गाने के बाद ये लाइन फिर रिपीट होगी, पी की डगर में बैठे मेला हुआ री मेरा आचरा, सेम नोटेशन पे, और उसके बाद में लट में लट में लट में पड़ी है, लट में पड़ी लट में पापा पापा पा, लट में पड़ी पड़ी लट में पड़ी कैसी, लट में पापा पा पड़ी पामा पा कोमली पड़ी कैसी पा मामा कैसी, लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी, लट में पापा पा पड़ी पा मा पा कोमली कैसी पा मामा, यहाँ शुद्ध माँ है, बेरेहा बेरेहा पा शुद्ध नी शुद्ध दा, बेरेहा की के लिए माँ माटी गरेसा, और उसके बाद में वही शुरू हो जाएगा, मायरी मैं कैसे कहूं पीर अपने जिया की मायरी। इस प्रकार से आपको बजाना बहुत सुंदर, इसके तीन अंतरे हैं, तीनों अंतरे एक ही नोटेशन पे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।